गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों को पढ़ रहे थे, जिसमें से कल हम लोगों ने कुल 20 प्रश्न पढ़े थे। आज बाकी के बचे हुए 3 सेट अर्थात 15 प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना है, अज्ञेय की रचना है। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, कुरुक्षेत्र, हरी घास पर क्षण भर, रश्मिरथी, ओंकार। तो अज्ञेय की रचना है, इसका आंसर होगा हरी घास पर क्षण भर। दूसरा विकल्प, हरी घास पर क्षण भर। अगला प्रश्न है दूसरा, रीत मुक्त कवि हैं। रीत काल में कुल 3 धाराएं, रीत बद्ध कवियों की, रीत मुक्त कवियों की और रीत सिद्ध। तो इसमें पूछा गया है रीत मुक्त कवि हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं, बिहारी, भूषण, केशव, घनानंद। तो इसका उत्तर होगा आपका 4th विकल्प, घनानंद। रीत मुक्त कवि है, उत्तर होगा घनानंद। अगला प्रश्न तीसरा, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा गया है। ये गलती से आगे रीत काल के कवि, रीत का रीत मुक्त कवि भी आ गया है गलती से। तो यहाँ प्रश्न उत्तर में देखें, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा गया है। तो उत्तर होगा भक्तिकाल, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी कहा गया है। अगला प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस रचना पर उनके, लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चाँद पर, चिदंबरा पर, अतिमा पर। तो इसका उत्तर होगा चिदंबरा पर। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस रचना पर, चिदंबरा पर। अगला प्रश्न, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इसी 7 सेटों में लगभग 3 या 4 सेटों में जो है ये प्रश्न पूछा गया है। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, इसमें कुल 15 सर्ग हैं। तो उत्तर होगा 15। यहाँ पहला सेट समाप्त हो जाता है। अगला सेट है 302 ZM और उसका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, 4 दिया गया, साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी, वैदेही प्रवास। तो इसका उत्तर होगा हरिओत जी का प्रियप्रवास, हरिओत जी की रचना है प्रियप्रवास, जिसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। अगला प्रश्न 7वां, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आगन के पार द्वार, अनघ, युगवाणी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो उत्तर होगा ये अनघ, मैथिली शरण गुप्त की रचना है अनघ। अगला प्रश्न, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। जैसा कि अभी आपने देखा उसमें दूसरे सेट में प्रश्न था, इस सेट में भी ये प्रश्न पूछा गया, महासर्गों की महाकाव्य, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो कुल 15 सर्ग है, उत्तर होगा 15 सर्ग। और अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा कृति पर पुरस्कार मिला। आपने इससे पहले पढ़ा कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था, अब जो है पूछा गया चिदंबरा पे कौन सा पुरस्कार मिला, घुमा के प्रश्न पूछा गया। यह है
तो इस पर चार विकल्प हैं, ज्ञानपीठ, भारत भारती, साहित्य अकादमी, स्वर्णमाल, तो हो जाएगा आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। सुमित्रानंदन ब्रह्म को चिदम्बराकृत पर पुरस्कार मिला था ज्ञानपीठ। अगला प्रश्न, कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं? रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, महादेव वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका उत्तर दूसरा है, अर्थात अज्ञे। अगला प्रश्न है, गीत संकलन पारिजात, ये गीत संकलन जिसका नाम है पारिजात, ये किसकी कृति है? मैथिलीशरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प, अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। अगला प्रश्न है, निम्न में से मैथिलीशरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है? यशोधरा, भारत भारती, सिद्धराज, पंचवटी। तो उत्तर होगा भारत भारती, उत्तर होगा भारत भारती। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, चार रचनाएं दी गई, इत्यलम, अनामिका, द्वापर, चित्राधार। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है चित्राधार। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? ज्ञानपीठ तो चिदम्बरा पर मिला था, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला? तो वह है दूसरा विकल्प, कला और बूढ़ा चांद।